हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं विक्रांत गैस्टा, आज आपको अक्षय चौहान जी से मिलाता हूँ, HM प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स के। इनसे मैं पूछने जाऊँगा कि जो इनका चैनल है HM प्रोडक्शन, अपनी टीम के बारे में बताए कि आपकी टीम में कौन कौन काम करता है, और आज तक आपकी कितना टाइम हो गया आपके चैनल को, और आपकी वेबसाइट भी है, उसके बारे में भी कुछ बताए। नमस्कार, सबसे पहले सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और मुझे 4 साल हो चुके हैं इस काम में। मैंने ये 2016 से पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, और अब आने वाले समय में और भी बड़ा होने वाला है हमारा प्रोडक्शन, जो आप शायद ही 3-4 महीने में देख लेंगे। अक्षय चौहान जी, बहुत अच्छी बात है, आपने HM प्रोडक्शन की टीम में बहुत अच्छा काम किया है, और साथ में आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, और देखने वालों को भी अच्छा लगता है। जिस तरह से आपने वीडियो को एडिटिंग किया है, फ़ोटोज वगैरह बनाए हैं, एल्बम के कवर फ़ोटो बहुत अच्छे डिज़ाइन करते हैं आप। और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ जनता को बताएं अपने बारे में, कि आप किस तरह से अपने HM प्रोडक्शन में काम करते हैं, और कुछ विचार उनके सामने प्रकट करें अपने। देखिए, 2011 से जब मुझे कंप्यूटर के बारे में पता चला कि कंप्यूटर भी कोई एक ऐसी चीज़ है, उसके बाद से इस चीज़ में मेरी रुचि बढ़ती गई, और फिर मैंने ये सोचा कि मुझे हिमाचल के लिए, सिंगरों के लिए एक वेबसाइट बनानी चाहिए। और मैंने इसकी शुरुआत 2016 में himachalimusic.com बना के की। अक्षय चौहान जी, आपने बहुत अच्छा किया और वेबसाइट खोली, सिंगरों के लिए भी फ़ायदा हुआ। और साथ ही मैं अक्षय चौहान जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे आपने कितना टाइम लग गया आपको अभी तक इस HM प्रोडक्शन में, मतलब नाम बनाने के लिए कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से आप वर्क कर रहे हैं इसमें, कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। देखिए, 2016 से हम कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, और अभी भी हम आगे वर्क ही करते जा रहे हैं। अभी हम लोगों से कम जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि ये पूरे हिमाचल में हमारा प्रोडक्शन फैले। अक्षय चौहान जी, आप किस तरह के सॉन्ग्स को, मतलब, अपलोड करना चाहोगे अपने यूट्यूब चैनल पे? जैसे आज की जनरेशन है, कुछ पुराना सुनते हैं, कुछ नया सुनते हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप दर्शकों को, किस तरह के सॉन्ग यूट्यूब पे डालने चाहिए, और आगे की जनरेशन कैसे, किस तरह सुनेगी सॉन्ग? आपको पारंपरिक गीत गाने चाहिए, और अगर आप गीत लिख रहे हैं तो डीजे का चलन है। आप ज़रूरी नहीं है आप डीजे के लिए ही बनाएं, आप बुज़ुर्गों के लिए, सुनने के लिए भी बना सकते हैं। आप जब भी गीत बनाते हैं तो आप हिमाचली कल्चर का विशेषकर ध्यान रखें। अक्षय चौहान जी, आपने HM प्रोडक्शन की टीम में काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूँ कि आप जो आपके जिसको आप प्रोड्यूस करते हैं, अक्षय पवन डोगरा जी को, मैं चाहता हूँ कि आप उनके बारे में बताएं कि आपकी टीम, पूरी टीम का नाम बताएं, और कौन कौन आपकी टीम में काम करते हैं, सबके बारे में बताया जाए, ताकि जनता को भी पता लगे कि आपकी टीम में कौन कौन काम। टीम बहुत बड़ी टीम है जो बैक में काम करती है। सबके नाम लेना संभव नहीं है, क्योंकि ये 25-30 लोगों की टीम है जो वर्क कर रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डोगरा जी को सॉन्ग्स भी लिख के देते हैं, पारंपरिक गीत लिख के देते हैं, वो ऐसे खुद भी लिखते हैं। अरे, ये बहुत बड़ी टीम है, और इसमें लष्टा जी है, सुरक्षा जी है, आदित्य जी है, ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो जुड़े हैं हमारे साथ। अक्षय चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी पवन डोगरा जी की काफ़ी टाइम से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनकी जो हेरा फेरी आई थी, अब आप उसका हेरा फेरी का 3 पार्ट भी आया था अभी, और इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, अभी उनका 2 आया था, उन्होंने वो गीत खुद लिखे हैं। अच्छा है कि वो गाना चल रहा है, हमें खुशी होती है कि डोगरा जी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो आगे ऐसे ही बढ़ते रहे। हाँ, पवन डोगरा जी जैसे नए सॉन्ग लिखते हैं, लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं, न्यू जनरेशन बहुत पसंद करती है। मैं चाहता हूँ कि आप अक्षय चौहान जी पवन डोगरा के बारे में कुछ बताएं, कि किस तरह की क्वालिटी है उनके अंदर, किस तरह के सॉन्ग्स को आप, उनके जो बोल है कैसे आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, वो स्कूल टाइम से उनको गीत लिखने का शौक़ था। हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं,
तो मैं उनको अच्छे से जानता हूँ कि उनको इस चीज़ में रुचि थी और वो लिखते थे और दूसरों को देते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद कल्बों की नाटी लिखी और गाई और वो चल पड़ी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। अक्षय चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जब HM प्रोडक्शन की टीम में काम किया था स्टार्टिंग में, तो आपने सबसे पहले कौन सी नाटी अपनी HM प्रोडक्शन रिकॉर्ड में डाली थी? सबसे पहली हमने शुरुआत ही कल्बों की नाटी से की थी और पवन डोगरा जी से मेरे चलते चलते मुलाकात होगी और उन्होंने कहा कि मेरा एक सॉन्ग आने वाला है। और मैं भी उस टाइम सोच रहा था कि मैं हिमाचल के लिए एक वेबसाइट बनाऊं और इस तरह से शुरुआत हुई। अक्षय चौहान जी, आप काफ़ी टाइम से पवन डोगरा के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा लगा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो पवन डोगरा जी है उनकी जो अभी न्यू एल्बम और आ रही है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो अभी जनता के लिए एक सरप्राइज़ है कि इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि आप वेट कीजिए, आपके लिए HM बहुत अच्छा करने वाला है। अक्षय चौहान जी, पवन डोगरा जी के लिखने के साथ साथ उनको बजाने का भी बहुत शौक है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जब वो सॉन्ग लिखते हैं तो उंगलियों के साथ प्रैक्टिस करते हैं और सबको लिरिक्स देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी हाँ, जब भी आप वो सॉन्ग लिखते हैं तो वो प्रैक्टिस करते हैं कि ये सॉन्ग किस लय में होना चाहिए, ये धुन के साथ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अक्षय चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पवन डोगरा जी अजय नेगी से काम करते हैं, जगदीश राजटा जी से काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह का आज की डेट में म्यूजिक किस तरह का होना चाहिए जो जनता को भावित करे। देखिए, म्यूजिक के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, लोग जिसमें नाच सके उस तरह का म्यूजिक दें। हालांकि आज के टाइम में शोर शराबे वाला ज़्यादा म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक कम है, शोर शराबा ज़्यादा होता है। अच्छा अक्षय चौहान जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि HM प्रोडक्शन की टीम कब तक आप इसको आगे ले जाएंगे, इस चैनल को कब तक आप इसमें काम करेंगे? देखिए, बहुत जल्द आने वाली है, एक वीडियो आ रही है, उससे हम ये चाहते हैं कि लोग उसे पसंद करें और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि वो अच्छे से अच्छी बने। अक्षय चौहान जी, बहुत अच्छा लगा।